नकली जानवर हैं मगरमच्छ, हिरन और गेंडा। ये है गेंडा स्वामी, ये देखिए, ये है हिरन स्वामी, ये मगरमच्छ। की गाड़ी जा रही है, इसमें मगरमच्छ है बहुत बड़ा वाला। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं दृष्टि ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, आपका अपना वसीम हैजान लेकर आया हूं आज आपको नेशनल एंथम जू में, जो कि चिड़ियाघर प्रगति मैदान दिल्ली में है। और आज हम आपको यहां अंदर ले चलते हैं, अंदर का व्यू दिखाएंगे कैसा है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो कैसे आपको टिकट लेना है, कैसे आपको क्या करना है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और चलते हैं। ये आपको देख सकते हैं पीछे, ये अंदर जाने के लिए एंट्री गेट है, यहाँ से आप सीधे अंदर जाएंगे। और अगर आप सामने देख सकते हैं वो पीछे जो एंट्री दिख रहा है, वहाँ पर आपको जो है टिकट लेगा, टिकट आपको ऑनलाइन ही लेना होगा, यहाँ पर ऑफलाइन का कोई प्रोसीजर नहीं है। 1 पर्सन का 80 रुपीज़ टिकट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है यहाँ का टिकट जो कि ऑनलाइन मोड पे ही अवेलेबल है। तो आप सभी धोखाधड़ी से बचे और ये ही टिकट खरीदें। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ से अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइनें तो लगा रखी हैं, मगर व्यवस्था बहुत कम है, यहाँ पर एक ही गेट खुला हुआ है। तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं दृष्टि ब्लॉग और आज हम आए हुए हैं आपको लेकर चिड़ियाघर में, दिल्ली के जू में। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की एक्टिविटी कैसी है, किस तरह के कौन कौन से जानवर हैं, कैसा टिकट है, कैसे आपको आना है, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। और हम चलते हैं आपको लेकर, तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप कि ये अंदर एक बतख तैर रही है, ये देखिए। लेकिन यहाँ का पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा है, पानी की सफाई नहीं करी गई इन लोगों ने काफ़ी दिनों से। इस पक्षी का नाम जो भी है, जानवर या पक्षी, इसको काला हंस कहा गया है। फिलहाल ये हम, ये वो वाली गाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो गाड़ी पे बैठकर आप पूरे राउंड पूरा चक्कर लगा सकते हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं, इसका भी किराया लगता है, 1 पर्सन के साइड 50 रुपीज़ है। ये आप देख सकते हैं नालियों का तालाब है, ये देखिए इसमें मछली है। कितना बड़ा गया है, मगर यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। ये क्या है, मछली है, सांप है क्या? सांप भी पानी भरने लगे हैं क्या आजकल? सांप पानी भरने लगे हैं। बटरफ्लाई, ये जो आप गाड़ी सामने देख रहे हैं, इस गाड़ी से आप पूरा टूर कर सकते हैं। इसका किराया 70 रुपये है, 70 रुपये पर पर्सन है। और ये एंट्री यहाँ से हो रही है, सब लोग जा रहे हैं। नहीं यार, हम लोग पैदल ही सफर करेंगे, बाकी सब दोस्त जा रहे हैं। बाय बाय, टाटा, बाय, गुड नाइट। बनाए नहीं, ये आप देख सकते हैं पूरा गार्डन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, पब्लिक भी नहीं है इतना। लेकिन हम अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। यहाँ का कंपनी की
गाड़ी आ रही है, ये वाली गाड़ी आ रही है। इसमें पर पर्सन 70 रुपीज़ का इसका टिकट है, आप इस पर बैठ कर घूम सकते हैं। और फिलहाल हम पैदल ही यात्रा कर रहे हैं क्योंकि पैदल ज़्यादा हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, इन्जॉय करने में मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल आप भी अगर आएँ तो पूरी तरह से यहाँ की हम जानकारी देंगे आपको। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, आगे बगुला बैठे हुए। ये कुछ खा रहा है क्या? खड़ा रहे ना। देख रहा है, देख रहा है। जा देख रहा है, तू आज हमें कितनी आया है। एक और से देख रहा है, वो कितना सुंदर पेड़ लग रहा है। बड़ी चीज़ भी देखेंगे हम, पहले छोटी मोटी चीज़ दिखाएं अपने व्यूवर्स को, ये लोग छोटी मोटी चीज़ें भी देखेंगे। सारे चीज़ जब हमने टिकट लिया है तो हम पूरी तरीके से आप लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगे। और इस बारे में चिड़िया तो इस तो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आगे काफ़ी फनी फनी मोमेंट आने वाले हैं आपके लिए। सबसे खतरनाक बंदर जिसका नाम है हेमडेन बूबन, ये आप देख सकते हैं हेमडेन बूबन का ये फोटो। ये बंदर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये झील जो है पूरी तरीके से सूख चुकी है और सूखने की वजह से शायद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, वरना हम आपको दिखाते हैं। जो अभी आपको फोटो दिखाई, इस फोटो के हिसाब से वो बंदर था। ये देखिए मोर की चिंगाड़ने की आवाज़, कितना सुकून लग रहा है ना जंगल में मिलके। जंगल भले ही ना हो, ये चिड़ियाघर है, लेकिन यहाँ पर आके बहुत सुकून हो रहा है। हमने फिलहाल पूरा ये वाला पूरा एरिया छान मारा, ये पूरा एरिया हमने छान मारा यहाँ से लेकर वहाँ तक, पर यहाँ पर हमें कहीं भी डेंगन बूबन नहीं मिला, जिस बंदर की हमें सफ़ेद बंदर की तलाश थी। फिलहाल आप देख सकते हैं शायद दूर से नज़र आ रहा हो तो, यहाँ पर ब्रूनेट मंकी का फोटो लगा हुआ है, इसके बारे में डिटेल है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, पूरा ये एरिया खाली पड़ा हुआ है। ये पुरानी झील जो कि बिल्कुल कंडम हो चुकी है, खराब हो चुकी है। देखिए है पानी वानी लेने के लिए सही था यार, बोतल ले घूम रहे। ये देखिए सर पानी पीने के लिए भी आपको, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्याऊ भी लगा हुआ है। यहाँ पानी वानी पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा शीतल जल आपको मिलेगा। अगर आप अपनी बोतल साथ लाएँ तो यहाँ पानी पी सकते हैं, और नहीं लाएँ तो भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं पाड़ा, यानी कि हॉक डेयर। ये देखिए हॉक डेयर है जो कि आपके सामने है बिल्कुल, ये आप जाली के अंदर देख सकते हैं। दूर दूर तक देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में हैं। और ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए ये यहाँ पर हॉक डेयर है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर सारस बैठे हुए हैं, और ये झील कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, पर थोड़ी सी गंदी है, शायद यहाँ की सफाई काफ़ी दिनों से नहीं हुई है इसलिए, लेकिन यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। पब्लिक के पीछे चलो जहाँ जल पक्षी दिख रहा है, जिस साइड पब्लिक जा रही है हमें भी उसी साइड जाना है फिलहाल। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक है, आज रश है वैसे काफ़ी, और दिनों के हिसाब से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। ये अभी भी यहाँ पर कुछ काम है जो पेंडिंग है, जो चल रहा है। ये आप देख सकते हैं साइड में जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए काम चल रहा है यहाँ पर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ। ये देखिए काला बंदर, ब्लैक मंकी,
अभी ये देखिए आगे जो है छोटे छोटे पक्षी शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर हम आपको पक्षी दिखाते हैं, ये जाल के अंदर से नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी नजर आ रहा है। ये एक जरसिंगा है, हर श्रृंगार। हेलो, ये हर श्रृंगार है। चिड़िया घर आए भैया घूमने। यहाँ का देखिए फ्रेंड कितना अच्छा, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। लेकिन ये रहा है कि हम फिलहाल दिल्ली में हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी साउथ इंडियन में आ चुके हैं। जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं यहाँ का। ये संबर हिरण है इनका। ये फ्रेंड यहाँ पर ये कैंटीन थी, ये देखिए सामने, मगर ये लॉकडाउन से बंद है और अभी तक नहीं खुली। अब हम दिखाते हैं दूसरी साइड। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी संबर हिरण है, बहुत सफ़ेद वाले, जो वाइट हिरण जिन्हें कहा जाता है। ये देखिए अधिक मात्रा में आपको ये नज़र आ रहे हैं। पूरी झील सूखी हुई है, यहाँ पानी है ही नहीं बिल्कुल, ये पूरी झील सूखी हुई है। ये गौर, क्योंकि ये भेड़ की तरह होता है, ये गौर एक विलुप्त, ये आप देख सकते हैं सामने, ये गौर है फ्रेंड। गौर एक विलुप्त होती प्राचीन प्राणी है, इसलिए कि सबसे बड़ी गाय है। इसे सूंघने की और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, किंतु उसे देखने की क्षमता कमजोर होती है। और इसके पीछे सामने सफ़ेद और हल्के नीले पीले रंग के होते हैं, जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इंसान लंबे मोजे पहने हुए है। ये हर दिन औसतन 15 से 18 घंटे तक खाता है। ये एक ऐसा जानवर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको ताड़ बिलाव दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि ये ताड़ बिलाव का है। आप देख रहे होंगे कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। ये देखिए ताड़ बिलाव, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से, ये फिलहाल सो रहे हैं। यहाँ पर है ताड़ बिलाव, ये देखिए कॉमन पालम क्लीट, आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल ताड़ बिलाव वृक्ष बिलाव के नाम से विख्यात ताड़ के वास्तविक बिलाव के अनेक अर्थों का भिन्न है। इस वास्तविक बिलाव जमीन पर रहते हैं और वृक्षों पर यादा करते हैं। ये लोगों द्वारा बांधे गए परत में रात भर इकट्ठा हुए ताड़ के मीठे रस पी जाते हैं, इसलिए इसे ताड़ बिलाव कहा जाता है। जंगली बिल्ली है, ये सो रही है। ये देखिए फ्रेंड, एक गिद्ध है, देख सकते हैं ये बैठा हुआ है अंदर। दूसरा, अरे फिलहाल हमें यहाँ पर दूसरा प्याव मिला। ये देखिए यहाँ भी प्याव लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग पानी पी सकते हैं। अब ये देखिए, ये आप पर चित्ती वाले हिरण हैं, सफ़ेद चित वाले, ये देखिए। हम आपको इस हिरण की पूरी डिटेल भी देते हैं। इसका नाम चीतल है, ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये सामने हिरण है, इसके बारे में कहा गया है कि ये पूरे भारतीय प्रायद्वीप के सामान्य तौर पर 10 से 20 तक के झुंड में पाया जाता है। ये घास और पानी में बारहमासी स्रोत के रहने वाले जंगलों में रहता है। इसका आवरण रक्तताप होता है और इसके पिछले हिस्से सफ़ेद कातरपक धब्बे जैसे होते हैं। फिलहाल ये मगरजंचों में 3 ग्रंथ के होते हैं, घास फल तथा पत्तियाँ खाता है। देखिए फिर गाड़ी जा रही है गेंडे की, ये गेंडा एक एक्सपायर हो गया है, उनकी करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अंदर, दूसरा आप जो एरिया है प्लान 2 है, अब हम वहाँ पे चलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं पीछे कितनी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पर जो है एक हिरण गाय भी है, तो आप देख सकते हैं पीछे, वो देखिए वहाँ पर जो है हिरण गाय भी है और पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है इस वजह से। अब हम चलते हैं अंदर, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है आज, ज़्यादा ही गर्मी है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और आगे आपको दिखाते हैं, अभी ये ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसे हैं कि पाड़ा हिरन यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या क्या दिखता है हमें। यहाँ पर गार्ड अंकल हैं,
गार्ड अंकल खड़े हुए हैं, पूरी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं पाड़ा हिरन है और सामने ये देखिए पाड़ा हिरन, इसका फोटो लगाइए, सामने बैठा हुआ है ये, वो देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं वो बैठा हुआ है अंदर कमरा है वहाँ पर, वो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कोने में ये हिरन है, इसे पाड़ा हिरन कहा जाता है। काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे तो बने रहिए इस वीडियो में, बस ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिए। हम आपको और भी ज़्यादा विचित्र प्राणी दिखाएंगे। ये हम आए हैं गेंडे के पास, बिल्कुल पास से आपको दिखाते हैं गेंडा किस तरह दिखता है। देखिए अब हम आ गए हैं गेंडे फोर्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंडा स्वामी, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। ये एक सिंह वाला गेंडा है, फिलहाल दो गेंडे यहाँ पर मौजूद हैं। ये है भारतीय गेंडा, ये एक सिंह वाला भारतीय गेंडा है, एशिया में सबसे विशालकाय गेंडा है। इसकी विशालकाय गेंडों की चमड़ी के कवच कई परतों में बटे हुए होते हैं, जैसे कि कंधों पर पीछे, जांघों के सामने, कंधों पर परतें पीठ के ऊपर नहीं होती, वे कंधे पर रह जाती है। इसमें विशेष लक्षण होता है, भारतीय गेंडा पहले गंगा के मैदानों में पाया जाता था, अब आसाम, नेपाल, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और इसे भी देखने के लिए लोग काफी काफी दूर से आते हैं। बड़ा मोटा है नहीं गेंडा, बड़ा मोटा है गेंडा। ये देखिए फ्रेंड, हम आपको यहाँ से बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, डबल भर। ये देखिए फ्रेंड, अभी भी यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है काफी ज्यादा, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये चिड़ियाघर एक बहुत ज़्यादा ओल्ड, जो एक ओल्ड कैटेगरी में आने लगा है काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से भी इसको जो है दिल्ली का फेमस चिड़ियाघर नेशनल एंथम पार्क किया गया है। और फिलहाल अभी हम और भी आपको इसकी डिटेल देंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपसे पार्ट टू में, इसकी और भी आगे की वीडियो है तो इसे छोड़ के मत जाना। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग को बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में, अभी वीडियो बाकी है, चलिए अगर का ये नया ब्लॉग, चलिए।